हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेरिडियन ओवरसीज। आज का जो टॉपिक है वो है टॉप 5 रीजंस टू स्टडी इन न्यूजीलैंड। पहला रीजन है ग्रेट डेस्टिनेशन। न्यूजीलैंड बहुत ही कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, सभी कंट्रीज के बच्चे वहाँ पे एजुकेशन लेने आते हैं। यूरोप, एशिया, अमेरिका, इवन यूके के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन, आपको न्यूजीलैंड सेलेक्ट करना चाहिए एज योर करियर ऑप्शन। सेकेंड रीजन, अफोर्डेबल कॉस्ट। फ्रेंड्स, आपकी जो ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस जो न्यूजीलैंड में आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं कंपेयर टू यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। रीजन नंबर 3, इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। न्यूजीलैंड बहुत ही सुंदर देश है दोस्तों। 8 जो यूनिवर्सिटीज हैं न्यूजीलैंड में वो इनके चारों डायरेक्शंस में हैं। सो यू गेट अ चांस टू विजिट एवरी प्लेस और आपके लिए न्यूजीलैंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। रीजन नंबर 4, क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस। आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है न्यूजीलैंड में वो बहुत ही अच्छा रहता है। न्यूजीलैंड एजुकेशन जो सिस्टम है वो यूके बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। सो यू गेट टू रिसर्च प्लस जो लर्निंग क्वालिटीज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अपनी यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है और क्वालिटी ऑफ लर्निंग आपको बहुत ही अच्छा मिलता है न्यूजीलैंड में। रीजन नंबर 5, ईजी एंट्री क्राइटेरियाज। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, उसी रीज़न से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट्स होती हैं और बच्चों का एंट्री क्राइटेरिया ईजी होता है। न्यूजीलैंड की लोकल पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ के सीट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, इसलिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स आपकी कम रहती हैं। रीज़न नंबर 6, 2 ईयर्स PSW। दोस्तों, आपकी जब डिग्री ख़त्म हो जाती है तो न्यूजीलैंड के अंदर आपको 2 ईयर्स का PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। उस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के दौरान आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं न्यूजीलैंड में। आपकी जो इनकम है दैट गोज अराउंड 2 to 3 lakh रुपीज पर मंथ, दैट्स मिनिमम, बेयर मिनिमम 2 to 3 lakh रुपीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर एपिसोड एंड विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।